मटन और साथ बनाऊंगी साग, मटन और साग और सिंपल साग जो फ्राई किया हुआ है वो भी उसमें मैंने, ये है जी साग। साग मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था, बॉईल करके घोट के तो फ्रीज किया हुआ था, अब उसे मैंने निकाला है। ये मैंने मटन रखा है, उसमें प्याज लहसुन अदरक नमक मिर्च हल्दी सब कुछ डाल के मैंने गलने के लिए रख दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये बनता है फिर आपसे बात करते हैं, मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो ईमान में हैं जी। तो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई थी, जब मैंने मटन ऊपर रखा है ना तो मेरे पास ये एक बॉल था मलाई का, ये मैंने इसको दही लगा के रखा हुआ था, उसके बाद मैंने इसको ये कुजे में रख के डाल के तो इसका मैंने मक्खन बनाया। मेरा मक्खन तैयार हो गया है, ये देखें माशाल्लाह, देखें कितना ज़्यादा ये मेरी ये मेरा मक्खन तैयार हो गया है। अब इसको मैं अलहदा बर्तन में निकालूंगी। सबसे पहले हम मदानी को बाहर निकालेंगे, इसके साथ भी लगा हुआ है। वैसे गांव देहातों में जो बड़ी मदानियों के साथ करते हैं उनको तो पहले ऐसे साफ करती हैं फिंगर के साथ, यूं चाटी में जो बनाती हैं मदानी उसके साथ बड़ी वाली मदानी के साथ वो तो ऐसे निकालते हैं। लेकिन मैं ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको कर रही हूँ, मैं इसको ऐसे ही सालन में डिप कर लूँगी और ये साफ़ हो जाएगी। अब मैं चम्मच के साथ सारा मक्खन बाहर निकालूँगी, ऐसे इसको मैं इकट्ठा करूँगी। ऐसे मज़ा तो आता है हाथ अंदर डाल के, जैसे देहातों में करती हैं औरतें पेड़ा बनाती हैं फिर उसको बाहर निकालती हैं और वो इतने मज़े का लगता है। मैं चम्मच के साथ इसको निकाल के और ये जो लस्सी है मेरी ये इस्तेमाल हो जाएगी। वो कहते हैं ना साग अगर हो मक्खन ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता, साथ मक्की की रोटी। लेकिन इस टाइम मक्की की रोटी तो नहीं बन सकती, दोपहर का टाइम है, मैं गेस्ट आ गई हैं कोई अचानक, तो मटन रखा है। अब उसमें से मटन का सालन फ्राई करके पहले वो निकालूंगी, फिर बाकी जो होगा उसमें मटन डाल के तो साग फ्राई कर लूँगी, डिशें तैयार हो जाएंगी। और जो दूसरा साग है खाली सिंपल जो उस दिन फ्राई किया हुआ था वो भी मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था, वो भी मैं साथ गर्म करूँगी। कुछ लोग साग के साथ लाइक करते हैं वाइट राइस को और कुछ रोटी खाते हैं, मैं थोड़े से राइस भी साथ बॉईल करूँगी। ये जिसने रोटी खानी है वो रोटी खा ले। और ये मेरा सारा मक्खन ये देखिए मैंने बर्तन में निकाल लिया है, ये एक्स्ट्रा मेरी लस्सी जो ऊपर थी इसको प्रेस करके थोड़ा सा ये लस्सी जो है मैं इसमें ये मैं इसमें निकाल लूँगी। और इस लस्सी में नमक डाल के ठंडी करके तो दोपहर के खाने में हम साथ इस्तेमाल करेंगे। ये मक्खन मेरा तैयार हो गया खाने के लिए, ये देखिए माशाल्लाह। एक डब्बा जो मलाई क्रीम बोल रहे हैं उसको, क्रीम ही थी जो मैंने उसके निकाली दूध में से वो निकाल के ये मैंने उसके साथ मक्खन तैयार कर लिया। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए हमारा मटन भी दूसरी साइड पे मैंने जब गलने के लिए रखा था लहसुन प्याज अदरक सब कुछ डाल के और टमाटर भी, इसका पानी खुशक हो गया, अब इसको मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए पानी ख़त्म हो गया है, अब इसमें मैं डेढ़ चम्मच तकरीबन मैक्सिमम डेढ़ चम्मच मैं इसमें डालूंगी ऑयल का। अब मैं इसकी भुनाई करूंगी।
देखिए जब मैं इसकी बनाई कर रही हूँ तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से इसकी बनाई करूँगी, और फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी लगाऊँगी और एक डोंगा इसमें से सालन का निकाल के, छोटा वाला, बड़ा नहीं, क्योंकि 2 या 3 होंगे, गैस साग भी हो जाएगा साथ, तो आ जाएगा काम हो जाएगा, 2 से 3 गेस्ट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी हमारी भुनाई हो गई है, तो 6 से 7 मिनट, ये देखिए माशाल्लाह ऑयल अलहदा हो गया और बड़े अच्छे तरीके से, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी ग्रेवी के लिए, जब उबाल आएगा तो इसमें से फिर मैं एक डोंगा सालन निकाल लूँगी और बाकी मैं साग मिक्स करूँगी। ये देखिए जी, बस ये देखें हमारा सालन तैयार हो गया है। अब इसमें से मैं बाउल में निकाल लूँगी कुछ, अब ये थोड़ा सा मैंने रहने दिया, इसमें मैं इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची, अदरक मैंने कटिंग नहीं किया बारीक काट के, वो भी मैं डालूँगी इंशाल्लाह फाइनल फिर आपको दिखाऊँगी। और इसमें आप कह रहे होंगे कि इसमें पानी है, इसको जब मैं साग इसमें डालूंगी तो फिर इसको मैं तकरीबन पकाऊंगी जब तक इसका पानी खुशक नहीं हो जाएगा तेज़ आँच करके ना, ये मैं इसमें साग को डाल दिया, ये फ्रीज किया हुआ था, ये देखें ये मेल्ट होने में भी टाइम लगाएगा, काफ़ी देर निकाल के रखा है पहले, लेकिन ये है कि जितना ज़्यादा फ्राई होगा, और कहते हैं ना साग पुराना पड़ा हुआ ज़्यादा टेस्टी बनता है, कड़ी भी और ये भी, ये तो सुगात है ना सर्दियों की भी, और वैसे भी जिस घर में बनाओ तो गिफ्ट ज़रूरी है कि ये जी हमने देना है। अब जब मैं ये साग डाल दिया है मैंने, जी व्यूअर्स जी सारा हमारा दस्तखान लग गया, ये देखें आपके सामने, ये हमारा मक्खन जो ताज़ा फ्रेश निकाला है हमने, साथ ये लस्सी है, और ये साग मक्खन, और ये मटन का सालन जो बनाया था कोरमा, ये मटन साग है, ये, और ये प्लेट में हमने डाला है साग, रोटी और मक्खन, जिसका जो दिल करेगा वो ले लेगा। ये आज का हमारा स्पेशल, अचानक हमारे गेस्ट आ गए तो जल्दी जल्दी में जो बन सका वो हमने ये बनाया है। ओके व्यूअर्स, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, और प्लीज़ 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 सलाफजदगान के लिए स्पेशली दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उनकी मुसीबत को टाले, अल्लाह ताला उनको मुश्किल से निकाले, और जल्द अज़ जल्द जिनके घर नहीं है अल्लाह ताला उनको घर अपने घर अता फरमाए,
उनको अपनी अता से दे और अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए, और जितनी भी आपकी आपसे उनकी मदद हो सके उनकी मदद कीजिए। जितने कैंप लगे हुए हैं वहाँ पे कपड़े, बर्तन, जूते, राशन, जो कुछ आप उनकी हेल्प कर सकते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए उनके साथ उनकी हेल्प करें। हमारा भी एक नंबर है, हम भी कर रहे हैं, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वो करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम अपना नंबर भी देंगे और सलाबजदगान के लिए स्पेशल काम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको अपनी फरमान में रखे के जी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।